एक बंदा मुझे कहने लगा हजरत मुआविया रजी अल्लाह पर हजरत हजरतमरतजा को नौजुबिल्ला गालियां दिलवाते थे मैंने कहा कोई गाली का लफ्ज बता सकते हो कि उस गाली ने यह लफ्ज था कोई लफ्ज बता सकते हो अज मैनू गाला कट कोई लफ्ज तो दसो हो सकता है लफ्ज सही हो तू गाल हो वे मैंने कहा कोई लफ्ज बता सकते हैं कौन सी गाली कोई निशानदही कर सकते हैं कि हदीस की किताब में लफ्ज मेंशन है इसका मतलब गाली है वो लफ्ज बता सकते हैं बड़े बोल से अल्लाह बचाए हमने भी कुरान और करीम और हदीस को यूं पढ़ के भी टॉप किया है जरा हमें दिखाए वो कौन सा लफ्ज है कहाँ मैंशन है कहाँ लिखा है कौन सी हदीस कौन सा सफा और कौन सी गाली है ताकि बात फैनल हो जाए वो शदम की बात करते हैं तो वो मुस्लिम में सिक्स डबल टू नाइन बुखारी में कुछ हिस्सा है उसका बनू मरवान कहा करते थे पे बुला के लोगों को मजबूर करते थे है। है, को किया गया। उन्होंने इनकार किया इस पर इमाम अहल सुनत की नजर में यह मेरी वीडियो आप दो ढाई घंटे की देखें तबियत आपकी साफ हो जाएगी बैठे कितने बाहर निकलो तो पता ही नहीं दुनिया बदल चुकी है खुल्फाजी के खिलाफ बगावत करने वालों को नबील इस्लाम ने बागी हुआ है बुख़ारी मुस्लिम दोनों में अधीस है बाकी एक एक पत्थर उठा के ला रहे थे अम्बार अब यासर ने दो पत्थर उठाए हुए थे मस्जिद नब्बी की तामीर के दौरान साठ साल की उम्र ऑलमोस्ट पचास से साठ के दरमियान दो पत्थर उठाए हुए हजूर ने अपने मुबारक हाथों से दाड़ी और सर से मट्टी को साफ करके कर कहा वो आए अम्बार तू तो दीन के लिए इतनी खिदमत कर रहे हैं तुझे एक जम, बागी जमात कतल करेगी तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जमात तुझे आग की तरफ दोजक की तरफ बुला रही होगी तो हजरत अम्बार ने कहा अल्लाह मैं इस फितने से तेरी पनाह में आता हूं लेकिन आजमाइश तो होनी थी हम पूछते हैं किस रदी ने किस रदीअल्लाहो के कहने पर अम्बार रदी अल्लाह को कतल किया बताओ अमीर मुआविया कान्फ्रेंस कर रहे हो करो सौ दफा करो अमारिव ने यासर की भी एक कॉन्फ्रेंस कर बताओ लोगों को और इस जंग ने क्लियर कर दिया कौन हक पे मुसरद अहमद में चार हदीस मैंने अपने रिसर्च पेपर में डाली है एंड मैं तारुफ कराव फ्री पूरी दुनिया जानता है तुम्हें भी लेना इतने सारे फ्री मिलेगा इन शसरद अहमद में हदीस मौजूद है अबुल गादिया एक सहाबी था सुला उदेबिया का उसने अमार को कतल किया मुसनद आमद में ही हजरत अमर बिन आस कांपते हुए बाकी जमात कतल करेगी तो हजरत माविया ने कहा तू अपने पेशाब में ही पिसलता है खुद लोगों को बता रहा है ये बात हमने उसको मारा ना अली लेके आता ना वो कतल होता फिर मौला अली ने भाई फकी दी थी उन्होंने कहा फिर हमजा कासूल्ला सन ना रसुल्ला लेके आते ना हमजा कतल हों तो कड़ी गाल की है फिर मुसरद अहमद में गया अम्बार का कातिल और माल लूटने वाला जहनम की आग में इसकी वजह से अबुल गादिया रोता था अब्दुल्ला बिन अमर आस कहते मैं बैठा था तो दो बंदे हजरत मार का कटा हुआ सर लेके आए और आपस में लड़ रहे थे मनु नाम दो मनु नाम दो लेके गए सर ना जिन्हें को नाम लेना सी तो अब्दुल्ला बिन अमर आस कहते हैं तुम एक दूसरे को छोड़ दो एक दूसरे पर डाल दो बात क्योंकि मैंने रसुल्ला से सुना था अमार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है हाँ तु दूसरे ने खाते जी पाओ भाई निकल जाओ तो माविया ने कहा फिर तू सा की बिलाना है उन्होंने कहा मैं तेरे नाल ज़रूर हाँ लेकिन मैंने आपके साथ मिलकर अली के खिलाफ कभी जंग नहीं की क्योंकि मेरा बाप आपका हामी है और मुझे हजूर ने कहा था कि अपने बाप की खिदमत करना मैं उसकी वजह से रुका हूँ अमर विनाश की वजह से वरना मैं तुम लोगों की इस एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं हूं इबन अजरस ने कहा कि वो ना हजरत अबुल गादिया चूंकि सुलह के साहबी हैं उनको फजीरत कफ़ायर कर जाएगी सही मुस्लिम की अधीस जिन्होंने दरख के नीचे मेरी बैत की उनको आग नहीं छुएगी तो शेख अलबानी जो इस दौर के इमाम बुहारी हैं एटलीस्ट एल हदीस के नजदीक अल्बानिया के थे सऊदिया में आए फिर यहां से भी निकल गए मुहद्दस आजम सऊदिया उन्होंने सिलसिला सहिया में दो हजार आठ नंबर में उन्होंने अध बड़ी मुश्किल तावील कर रहे हो जब रसुल्ला ने खास भर मार दिया मार के कातिल के लिए तो सुलह उदेबिया वाली फजीला तुझसे उठ चुकी है तुसी ना झूठी कलता करो नबीना जो साखसा फरमाते थे राही महुल्ला नबी न टक्कर लें दो अपनी आहरत ही फिकर करो नबी से टक्कर नहीं लेनी यार ये इतना कुछ है बयान करने को आप लोगों को तो पता है आप लोग सुनते रहते हैं ये तो मतलब इसका एंड ही नहीं होना मैं कहां कहां क्या क्या, क्या चीजें बयान करूं मुस्लिम शरीफ से बुखारी शरीफ से ना खत्म होने वाली चीज अब मैं आपको उसूल बरकत के लिए चूंकि बाबों को बहुत मानते हैं इनके बाबों का वाला आपको मुझे जुबानी तो मुझे बहुत कुछ याद है बुखारी मुस्लिम की जोस है कतले मार वाली इसके ऊपर हनफियों के इमाम मुनीफा के बाद चंद जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से लामा बदरुद्दीन आईनी है अलमुतव एट फिफ्टी फाइव हिजरी जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है उमदतुल्कारी जिस तरह फतुल बारी लिखी गई इबन अजरस कलानी की अलमुतव एट फिफ्टी टू एक जमाने में दोनों हुए हैं को मानते हैं उन्होंने कत्ले अम्बार वाली हदीस के ऊपर कॉमेंट्स किए कि इस हदीस के बाद जो लोग ये कहते हैं ना कि हजरत माविया की पार्टी को एक अजर मिलेगा चूंकि वह इजतादी पे थे और हजरत अली को दो अजर तो मैं उनसे कहूंगा कि अजर किस बात का जब यह क्लियर हो गया कि अम्बार को एक बागी जमात कतल करेगी इस हदीस के बावजूद हजरत माविया ने कतले मार के बाद भी अपनी गलती नहीं मानी तो अजर किस बात का क्या हजरत मुआविया इस पर खुश नहीं है कि उन्हें बराबर छोड़ दिया जाए ये अलामा ऐनी लिख रहा है मैं नहीं कहते भाई जी बच जाए ही बड़ी गल है तुम दफा करना आयो जाओ अपना किताबें जाके पढ़ो ओ पढ़ के आओ यार कोई इल्म हासिल करो तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ लिखा हुआ इससे भी अली कारी कितना बड़ा नाम है दस सौ चौदह इजरी में फोत हुए इन्होंने मिरका लिखी है मिशकात की शरण दुनिया में इस तरह की शरह किसी ने लिखी अनफी है, उन्होंने अतले मार वाली हदीस के कॉन्टेक्स में लिखा कि हजरत अम्बार के, के कत्ल के बाद यह क्लियर हो गया कि हजरत अली की जमात हाक में थी और हजरत मावी की जमात बागी जमात है लेकिन फिर उन्होंने कहा लेकिन अफसोस की बात है कि हजरत माविया ने कतले मार के बाद भी अपने उस मामले पर रुझू नहीं किया और कतले उस्मान को अपनी ढाल बना लिया जबकि वो अपने दिल में खिलाफत की ख्वाहिश दुनिया की ख्वाहिश छुपाए हुए थे और ढाल कतले उस्मान को बनाए हुए थे कौन मुलाली कारी और कहते अफसोस हजरत मुआविया के इस अमल से कुरान और हदीस दोनों को पश्य पुष्ट उन्होंने डाल दिया महाजूर हो गए दोनों लो जी ारी और इबन अजरानीसो भी ला लो तो सब तो वे बुजुर्ग ने इबर राहुल्ला कहने ना बार बार फतुल बारी निकाले मैंने सब अच्छा घबराना नहीं घबराना नहीं सब कुछ में मौजूद है मैं अभी तारुफ करवाता हूं उसमें उन्होंने लिखा है के हजरत इमाम बुखारी इमाम नसाई इमाम हाकिम तीनों इस बात के कायल थे और इमाम इसहा बिन रा चारो इमाम जरत माविया की फजीलत में सवाए साहबी के कोई साबित नहीं और ये जितनी अधिसीसें बिन बिन फतवे लाते हैं कि बताइए अली और माविया का क्या मामला था उन्होंने कहा थोड़ी देर खामोश हो गए फिर उन्होंने कहा कि बेटा सुन लें अली के दुश्मन बहुत थे जिन्होंने बड़ी कोशिश की अली को नीचा करें लेकिन नहीं कर सके तो फिर ये एक उस शख्स की फजीलत बनाना शुरू हो गए जो उनसे जंगे कर चुका था और उसके बारे में ये फला ये 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 फजाइल बयान करने शुरू कर दिए इवन अजर यह लिख के कहते हैं कि आम नंबर ये बताना चाह रहे हैं ये सब कहानी है कहानी शरीफ है मौजुआज शरीफ गढ़ीबी शरीफ में से है इतना कुछ इतना कुछ अदीस की किताबों में मौजूद है फिलबदी मैं बयान करना शुरू करूं तो यानी तीन चार घंटे और लग जाएंगे मेरी कई वीडियोज हैं वो आप देख लें मैं आपको एंड पे ना ये ये, ये। अगले दिन मौला मौलाना रहे मौला के बेटे का फोन आया फारूक मुदूदी साहब का कहते हैं आपने सदियों का कर्ज उतारा है अल-बेत का दिफा करके ये खिलाफ तो मलूकियत का दिफा है कहानी शरीफ नहीं हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीख नहीं बल्कि अहादीस से दो सौ अहादीस ये पंफलट है वाक करबला का हकीकी पस मंजर बहत्तर सईुल इसनाद हदीस की रोशनी में बहत्तर का टाइटल शोहदाय करबला की नस्बत से है हदीसें दो सो हैं तैतीस नंबर के ऊपर गदीर खून के आठ तुरुक हैं एक एक नंबर पे गई और ये आप पढ़ें आप और ये सब दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं हमारी वेबसाइट से इसे डाउनलोड करें मुफ्त में अरबी में भी उर्दू में भी हिंदी में भी इंग्लिश में भी बंगाली में भी। बंगला जुबान में भी मुफ्त सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पी डी एफ उसका यूज करें डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके और अगर किसी ने पाकिस्तान में मंगवाना है डाक में फ्री आएगा सिर्फ तीन सौ टी सी एस का आपने खर्चा देना है। ये दो सौ दीशें इसके साथ आठ रिसर्च पेपर और तीन अजगार कार्ड ये बारह का पैकेज जो जितने लोग यहां तीन चार सौ हर संडे को आते हैं उनको फ्री मिलता है यहां एक दफा फ्री मिलेगा अगली बार नो प्रॉफिट नो लास्ट पे